अरे मीना, बाथरूम में मेरे कपड़े पड़े हैं, जरा धो देना। और मेरे भी दो जोड़ी पड़े हैं, वो भी ले लेना। लेकिन चाची, मैं तो कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज? कौन सा कॉलेज? अरे डिग्री तो तूने ले ली, अब क्या तुझे कलेक्टर बनना है? देख, घर का काम काज सीखेगी तो अपने घर जाएगी तो हमारा नाम रोशन करेगी। दादाजी, दादाजी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे कॉलेज जाने दीजिए। अब बाबूजी क्या कहेंगे? अरे भाई, तेरी चाची या तेरी दुश्मन थोड़ी ना है जो तेरा बुरा चाहेंगी। पहले भी तो मना किया था बाहर भेजने के लिए, मगर भेज दिया। खूब गुल खिलाकर आई थी तू, अब पढ़ाई का तो सिर्फ बहाना है, उसी लड़के से मिलना होगा। घर बैठे बैठे तो मिल नहीं सकती। दादाजी प्लीज, मेरी पढ़ाई मत रोकिए, मुझे कॉलेज जाने दीजिए। कोई जरूरत नहीं है, बहुएं सही कह रही है, जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया, घर में बैठो जाओ। अब कमरे में बैठे बैठे टेस हुए मत बहाना, बहुत काम पड़ा हुआ है। मेरे तो वैसे ही टांगों में दर्द रहता है, मेरी तबीयत भी कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो दादाजी, दादाजी। क्या है, चिल्लाने का नहीं, क्या है? दादाजी, ऐसी खबर लाया हूँ कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। कौन सा तीर मार कर आया, नौकर लेकर आया क्या? हाँ दादाजी, नौकर लाया हूँ। अरे क्या बात करता है बेटे, कहाँ मिला तुझे, कैसा है वो, पकड़ कितनी लेगा वो? रास्ते में मिल गया था। हाँ। काम मांग रहा था, मैंने बातचीत कर ली, सिर्फ मैंने पैसे की बात नहीं की। अरे क्या बात है, क्या बात है, जा जा जाके बुला सबको, उनके लिए तो साक्षात भगवान आ गए। जा मम्मी डैडी चाचा चाची जल्दी आओ, नौकर आ गया। बाबूजी मैं क्या सुन रहा हूँ? नाम क्या है तुम्हारा? राजू, राजू नाम है मेरा। भैया इससे पहले कहाँ काम करते थे? अमित जी के यहाँ। किसके यहाँ? अमित जी बच्चन जी। अमित बच्चन, उनके यहाँ किसने लगाया तुमको? वो क्या है, किसी ने लगाया नहीं, वो श्री जी के पास शाम को चाय पीने के लिए आए थे। मैंने ऐसा चाय बना के पिलाया ना, मेरे को चुपचाप नीचे लेके गए, बोले 100 रुपए बढ़ा के देता हूँ, मेरे साथ चल। मैं भी चल दिया। आओ सेल्फिश। लेकिन श्रीदेव किया किसने लगाया तुम्हें, बताओ ना यार। सलमान भाई ने। सलमान को भी जानते थे? हाँ, वो एक बार ना मैं धर्म जी के साथ शूटिंग करा था ना, तो साइड में जाकर रो रहा था, तो सलमान भाई बोले क्या को रो रहा है, तो मैं बोला क्या बोलने का साहब, इधर तो 50 आदमी है, 100 आदमी खाना बनाना पड़ता है। सच बात। और एक रोटी चल जाना, 3-3 ईमान मिलके इतना मारते है, वैसे दिल के सब हीरा है लेकिन भड़क जाए तो कुछ ठीक नहीं है। अच्छा धर्मेंद्र क्या तुमको किसने लगाया? अक्षय कुमार जी ने। और अक्षय क्या? वो हीरोइन का नाम मैं नहीं बताएगा। बराबर है, अब क्या है कि जमानत देने की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जमानत देना चाहो तो किसकी दोगे? नहीं नहीं, जमानत वमानत में कुछ नहीं दे सकता। अच्छा। आप लोगों को रखना है काम पे तो रखिए, वरना माधुरी दीक्षित जी के घर से मेरे को खुल्ला ऑफर है। नहीं नहीं नहीं, यार ऑफर है। मैं इसे जानती हूँ। बहन कैसे जानती? सुनो। हाँ जी। तुम वही हो ना जो सुभाष जी के यहाँ काम करते थे? कौन सुभाष जी? सुभाष घई। अरे मेरे ससुराल के पड़ोस में रहते थे तुम, वहाँ बर्तन नहीं खाते थे? सुभाष घई जी। याद आया, कभी देखा, आते जाते बिल्डिंग में। काम क्यों छोड़ दिया वहाँ? अभी क्या बोलने का, त्रिमूर्ति रिलीज हुई, सारा गुस्सा मेरे पे निकाल दिया। अरे कोई बात हुई। अच्छा ये चिट्ठी छोड़ी, और मुझे बताइए कि यहाँ पर किचन कहाँ है? मुझे चाय नहीं, दूध देना। अच्छा, और चाय किस किस को देना है? बाकी सबको। बाकी सब कौन कौन और कहाँ कहाँ रहते हैं? ऊपर लेफ्ट वाला चाचा चाची का। हाँ। राइट वाला मेरा, और मेरे कमरे में मम्मी डैडी भी रहते हैं। अच्छा। वो सामने दादाजी का। हाँ। और वो पपी चाचा का। अच्छा अच्छा, और कौन कौन रहता है यहाँ पे? शनु वो अभी आजकल यहाँ ही रहती है। ओ, और कौन रहता है? और डिम्बल दीदी। और कौन? और हाँ मीना दीदी। हाँ, वो कहाँ है आजकल? वो आजकल कमरे में रोती रहती है। रोती रहती है? चलो मैं आ गया हूँ, आप नहीं रोएंगी। उनका कमरा कहाँ है? वो सीढ़ियों के बगल में। चल जा, अभी बोर मत करना तो नौकरी छोड़ दूंगा। हैदराबादी खरारी खड़क छम छाए ले लो। मुझे नहीं चाहिए, चले जाओ। क्या मेम साहब, ये क्या सुन रहा मैं आजकल? मैंने सुना है कि आजकल आप पलंग पे औंधे पड़े पड़े बहुत आंसुआ बहा रहे हो। ये 10 रुपए के फोटो के लिए 10-10 करोड़ रुपए के आंसुआ बहा रहे हो? अरे मैं तो कहता हूँ कि इस बेजान तस्वीर को फेंको और इस जानदार आदमी को गले लगा लो। तुम ये खादिम सामने खड़ा है, कैसा लगा ये बदतमीज? क्या बोल रही तुम्हें? राज, तुम यहाँ?